Hello dear children, welcome to my maths video class for 14th August. I'm sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. You take very good care of yourselves, follow all the safety precautions, follow all the COVID protocols, stay happy and stay safe children. And at the same time, I hope that you all are watching the videos on a regular basis. आप लोग सारे videos रोज देखते हो and at the same time completing your work in maths book also. In maths children, we have done very little work in notebook. Notebook का work तो अभी तक बहुत थोड़ा सा है. Maximum work is done in book only. तो एटलीस्ट maths का तो आपका काम पूरा complete होना चाहिए, है ना? फॉर दैट मैटर हर एक सब्जेक्ट का वर्क कम्प्लीट होना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, EVS हो. सो बी रेगुलर विथ योर वर्क एंड बी रेगुलर इन वॉचिंग द वीडियोज एज वेल. ओके, इन चैप्टर नंबर 8 वी हैव डन टिल नंबर नेम्स. अभी हमने प्रीवियस क्लास में नंबर नेम्स वाली एक्सरसाइज किया था एंड बिफोर दैट वी डिड हिडन नंबर्स, है ना? उसके पहले हमने हिडन नंबर्स किया था. हिडन नंबर्स तो हम आज करेंगे, उसके पहले हमने एक्सपैंडेड फॉर्म किया था, है ना? नंबर को वी कैन राइट एनी नंबर इन एक्सपैंडेड फॉर्म, और अगर एक्सपैंडेड फॉर्म दिया है तो वी कैन राइट द नंबर. अभी एक्सपैंडेड फॉर्म में वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्लेस एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ इट्स प्लेस वैल्यू, है ना? दोनों हमने किए. नंबर इज गिवन, सो वी हैव रिटन द एक्सपैंडेड फॉर्म. एंड एक्सपैंडेड फॉर्म इज गिवन, वी हैव रिटन द नंबर. ठीक है, एक्सपैंडेड फॉर्म हमने इन टर्म्स ऑफ प्लेस लिखा, दैट इज इफ इट इज 27, दैट इज 2 tens प्लस 7 ones. एंड हमने नंबर सेंटेंस भी लिखा, नंबर सेंटेंस दैट इज व्हेन वी राइट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्लेस वैल्यू. ठीक है ना, सपोज 27, सो इसको अगर हम एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो इट इज 2 tens प्लस 7 ones. एंड वॉट इज नंबर सेंटेंस, दैट इज वॉट वेन वी राइट द सेम इन टर्म्स ऑफ इट्स प्लेस वैल्यू. टेंस एंड वंस टू प्लेस इट, ठीक है ना? प्लेस वैल्यू क्या होगी? 2 tens दैट इज 20 प्लस 7 ones दैट इज 7, है ना? वंस प्लेस पे जो भी डिजिट होती है उसकी प्लेस वैल्यू भी सेम होती है, एंड टेंस प्लेस पे जो डिजिट होती है उस पर हम आगे 0 ऐड करते हैं, 0 प्लेस कर देते हैं एट द राइट साइड, है ना? सो प्लेस रिमेन्स द सेम, किसी भी नंबर में डिजिट्स की प्लेस सेम रहती है, उस प्लेस पे डिजिट्स की कौन चेंजिंग, डिजिट्स बदलती रहती है एंड एज पर द डिजिट्स जो भी डिजिट है उसके अकॉर्डिंग उसकी प्लेस वैल्यू भी चेंज होती है. सो आई होप चिल्ड्रन दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ये हमने किया था नंबर सेंटेंस. उसके बाद आफ्टर दैट वी डिड नंबर नेम्स. ठीक है, नंबर नेम्स हमने 51 to 100 तो किया ही था. यहाँ पे यह वी हैव डन इन हाफजर मैनर, मतलब कहीं से रैंडमली कोई भी नंबर है. ओके, नाउ चिल्ड्रन टुडे वी विल बी डूइंग, यू कैन से अ फन एक्टिविटी, दैट इज हिडन नंबर. टर्न टू पेज नंबर 91 इन योर बुक. न्यू एडिशन है तो 91 है, एंड इफ इट इज ओल्ड एडिशन देन पेज नंबर इज 90 and 91. हिडन नंबर्स, हिडन नंबर का मतलब क्या है? कोई छुपा हुआ नंबर है. सो हियर व्हाट वी हैव टू डू इज रीड एंड कलर रेड द फॉलोइंग इन द हंड्रेड्स टेबल टू फाइंड द हिडन नंबर. यू कैन सी देयर इज अ ग्रिड, एक पूरी ग्रिड है, इसमें 1 to 100 द नंबर्स आर रिटन. ठीक है, दिस इज 100 tables, मतलब इफ यू सी टेबल्स भी है, जैसे 1 का टेबल है, 2 का टेबल है, 3 का टेबल है. ठीक है ना, दिस इज नंबर ग्रिड, नंबर टेबल जो क्लूज दिए हुए हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्लूज वी हैव टू कलर दैट नंबर रेड. जो भी क्लू है उस क्लू के अकॉर्डिंग जो भी नंबर आता है उसको हमें इस ग्रिड टेबल में रेड से कलर करना है. ओके, एंड आफ्टर कलरिंग ऑल द नंबर्स वी विल फाइंड 1 hidden number. ठीक है, इसमें हमको एक हिडन नंबर मिलेगा. लेट अस फाइंड आउट विच नंबर इज दैट, वो कौन सा नंबर है. ठीक है, वो हिडन नंबर क्या है. सो दिस यू कैन से इज अ फन एक्टिविटी.
जो हमने फर्स्ट लेसन पढ़ा था प्री नंबर कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्री नंबर कॉन्सेप्ट में हमने अप डाउन अबव बिलो लेफ्ट राइट ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे। सो ऑल दीज कॉन्सेप्ट विल बी हेल्पफुल इन दिस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ब्लू सम नंबर इज, कोई किसी नंबर के नीचे का नंबर है, कोई किसी नंबर के ऊपर का नंबर है, कोई राइट का नंबर है, कोई लेफ्ट का नंबर है। सो वो सारे कॉन्सेप्ट अभी हमें काम आएंगे, इसीलिए वो हमने सबसे पहले वो लेसन पढ़ा था प्री नंबर कॉन्सेप्ट, दैट इज नंबर स्टार्ट करने से पहले हमने ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ठीक है ना। ओके ना चिल्ड्रेन, आई एम नॉट गोइंग टू राइट द क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लिखूंगी तो फिर मेरी थोड़ी सी स्पेस चली जाएगी एंड आई नीड स्पेस ऑन द बोर्ड। तो सबसे पहले मैं ये 100 टेबल बनाती हूँ, लेट मी मेक द टेबल, यहाँ से बनाओ। 100 टेबल मीन्स देर आर 10 रोज एंड 10 कॉलम्स, 10 रोज बनेंगे एंड 10 कॉलम्स बनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, okay? And 10 rows, now we need 10 columns also. राइट द नंबर्स विद अ डिफरेंट कलर सो दैट थोड़े से वो अलग से समझ में आए। द नंबर्स आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Then 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, and 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, and 40, ठीक है। देन 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, and 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, and 60. Then 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, and 90. Then last row is 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, and 100. Okay? Now, let us start with the clues. Abhi hum clues se start karte hain. Theek hai? Now, first is, A is above 55. Above 55. I will write the clues first. Okay? Pehle main thoda kitne bhi clues likh sakti hu. First, I will write the clues and then we will write the answers. B is left of 53, left of 53. C is right of 43. Then D is below 32. Below 32, E is above 86, above 86, then F is right of 73, right of 73, G is, I hope you can see here, यहाँ पे visible है. G is below 60, BELOY, below 60. H is left of 57. This is not visible here, children. अभी पहले इसको हम कर लेते हैं, फिर देन वी विल बी डूइंग रेस्ट ऑफ द क्लूज. अच्छा, अबव 55, अबव का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय अबव? अबव मतलब ऊपर. ठीक है, जो हमने भी चैप्टर नंबर 1 में किया था कॉन्सेप्ट्स, अबव, बिलो, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन. सो यू कैन सी ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर हियर यूज्ड हियर, लेफ्ट, राइट, अबव, बिलो. ठीक है ना, अप, डाउन. नाउ फर्स्ट इज above 55. The question says according to the clues you have to color the number red. ठीक है ना, red and color, read and color red the following in the hundreds table. Now above 55, that means इस number table में देखो कि 55 के ऊपर कौन सा number है. So above this is 55 and above 55 is 45. Above मतलब ऊपर, तो 55 के ऊपर क्या है? 45. So we will color this number. Above 55 is 45, है ना? We will color this number red. अभी red तो मेरे पास नहीं है, तो मैं इसको ऐसे lines बना दे रही हूँ बस black से. I am sure you all have red color. तो आप उस number को red से color करेंगे. ठीक है? Next is left of 53. Left का मतलब क्या होता है? Right and left. Left is, left मतलब बायां, ये वाला हाथ का. लेफ्ट इज बायां, जैसे मैंने बताया था याद रखने के लिए कि अपने थंब से मेक एल. ठीक है ना, जिस आपके हैंड में करेक्ट एल बनेगा दैट इज योर लेफ्ट हैंड. तो आप ये देखोगे कि राइट हैंड में जो एल बनता है दैट इज रिवर्स, उल्टा है. ऐसे तो हम एल नहीं लिखते ना, दिस इज द मिरर इमेज ऑफ एल. करेक्ट एल क्या है? दिस इज द करेक्ट एल. सो ये एल किस हैंड में बन रहा है? दिस इज इन आवर लेफ्ट हैंड. ये हमारे लेफ्ट हैंड में ये एल बन रहा है. सो दिस इज आवर लेफ्ट हैंड. नाउ वी हैव टू राइट, वी हैव टू कलर द नंबर विच इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 53. 53 के लेफ्ट में कौन सा नंबर है? सो दिस इज 53.
तो 53 के राइट में क्या आएगा 54, दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट. नो चिल्ड्रन, दिस टेबल इज इन फ्रंट ऑफ अस. ठीक है, बुक को तो हम ऐसे पकड़ते हैं, वी डू नॉट होल्ड द बुक लाइक दिस. जिस पेज को हमें पढ़ना है वो पेज तो हमारे सामने रहता है, तो जो हमारा राइट होगा वही सेम यहाँ भी राइट होगा. ठीक है ना, बिकॉज वी होल्ड द बुक लाइक दिस. तो 53 है, नंबर 53, तो 53 के राइट में नंबर होगा दैट इज 54 एंड 53 के लेफ्ट में नंबर होगा दैट इज 52. तो लेफ्ट ऑफ 53 इज 52. नाउ कलर दिस नंबर रेड. 53 52 को यहाँ पे रेड से कलर करना है. मेरे पास तो कलर्स नहीं है, मैं लाइंस बना दूंगी. ठीक है, आई एम मेकिंग लाइंस. राइट ऑफ 43, अगेन 43 है. ठीक है, दिस इज 43. तो 43 का राइट जो हमारा राइट है वही सेम 43 का भी राइट होगा, और जो हमारा लेफ्ट है वही सेम 43 का भी लेफ्ट होगा. सो राइट ऑफ 43, दिस इज नंबर 43. 43 के राइट में क्या नंबर है? द नंबर ऑन द राइट ऑफ 43 इज 44. ठीक है, दिस इज 43. तो 43 के राइट में क्या है? दैट इज चिल्ड्रन, अभी यहाँ पे आप और भी याद रख सकते हो कि राइट मीन्स द नंबर विच कम्स आफ्टर एनी नंबर. ठीक है, एंड लेफ्ट मीन्स नंबर विच कम्स बिफोर एनी गिवन नंबर. जैसे हमने बोला लेफ्ट ऑफ 53, तो लेफ्ट ऑफ 53 इज 52. दैट मीन्स द नंबर बिफोर. ठीक है, यहाँ पे राइट ऑफ 43, सो दैट इज द नंबर आफ्टर. राइट ऑफ 43 इज 44, दैट इज द नंबर आफ्टर. ये है 44. ठीक है, सो रिमेंबर, कोई अगर कंफ्यूजन होता है कि विच इज राइट विच इज लेफ्ट, तो उसके लिए सबसे अच्छा जस्ट टू रिमेंबर कि राइट मीन्स द नंबर आफ्टर एंड लेफ्ट मीन्स द नंबर बिफोर. ओके, देन बिलो 32, बिलो मतलब नीचे. तो 32 के नीचे क्या है? दिस इज 32. 32 के नीचे क्या है? 42 है. बिलो 32 इज 42. 42 को हमने कलर कर दिया. ठीक है, बिलो 32 इज 42. अबव 86, अबव मीन्स ऊपर. तो 86 के ऊपर क्या है? दिस इज 86 एंड अबव 86 इज 76. ठीक है ना, 86 के ऊपर 76 है, अबव 86 इज 76. देन राइट ऑफ 73, राइट ऑफ 73 मतलब 73 के राइट में. तो राइट मीन्स जैसे मैंने बताया कि राइट मीन्स द नंबर आफ्टर. ठीक है, द नंबर विच कम्स आफ्टर एनी गिवन नंबर. ठीक है, दैट इज राइट एंड लेफ्ट मीन्स द नंबर विच कम्स बिफोर एनी गिवन नंबर. राइट ऑफ 73 दैट इज, ये 73 है, राइट ऑफ 73 इज 74. दैट मीन्स द नंबर आफ्टर 73 इज 74. यहाँ पे हम 74 को कलर करेंगे. ठीक है, अभी आई होप चिल्ड्रन यू हैव रिटन दिस इन योर बुक. अभी इसको मैं इरेज करने जा रही हूँ. ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं और भी कर लें. आई हैव रिटन ओनली टिल एफ. ठीक है, अभी आगे का करती हूँ. एवरीवन हैज रिटन आई सपोज. ठीक है ना, एंड आई होप चिल्ड्रन मैथ्स का काम आप जो है मेरे साथ साथ अपनी बुक में करते जाते हैं. बहुत थोड़ा थोड़ा काम होता है. ए बी सी डी ई एफ, देन बिलो 60 जी एस बी ई एल ओ डब्ल्यू. बिलो 60 एच एस, लेफ्ट ऑफ 57 लेफ्ट ऑफ 57 आई एस. बिलो 38 then right of 59 right of 59 then below 62 b e l o w below 62. ठीक है, अभी इतने कर ले, then we will be doing rest of the clues. below 60, below मतलब नीचे. तो 60 के नीचे क्या है? दिस इज
60, the number below 60 is 70, है ना? 60 के नीचे है 70, यहाँ पे हम 70 को कलर कर दिया हमने, ठीक है? Left of 57, left means the number before, जैसे मैंने अभी बताया कि left means the number before, तो left of 57, this is 57, left of 57 क्या है? 56, 56, 1, 2, ऐसे इसको जस्ट हमने ऐसे कलर कर दिया, left of 57 is 56, then below 38, 38 के नीचे, so below 38 is 48, 38 के नीचे 48 है, below 38, this is 38, उसके नीचे 48 है, right of 59, right means the number after, always remember right means the number after and left means the number before. If we are talking to a person, अगर हम किसी person की बात कर रहे हैं, in that case जो हमारा right है that would be left of that person, क्योंकि अगर person आपको face करके खड़ा है सामने हमारे, तो जो हमारा right होगा वो उस person का left होगा और जो हमारा left होगा वो उस person का right होगा. But if the person is standing with his or her back towards us, अगर वो हमारी तरफ अपनी पीठ करके खड़ा है, तो जो हमारा right है वही उसका भी right होगा, हमारा left है वही उसका भी left होगा. ओके, सो द बुक इज इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है ना? बुक को हम ऐसे नहीं पकड़ते, बुक हमारे सामने ही, इसीलिए ये कन्फ्यूजन नहीं करना कि मैम जो हमारा राइट है वो उसका लेफ्ट होगा या हमारा लेफ्ट उसका राइट होगा. नो, जो हमारा राइट है वही इस बुक में भी राइट होगा और जो हमारा लेफ्ट है वही इसमें भी लेफ्ट होगा. सो राइट मीन्स द नंबर आफ्टर एंड लेफ्ट मीन्स द नंबर बिफोर. राइट ऑफ 59, राइट ऑफ 59 क्या है? दैट इज द नंबर आफ्टर. 59 के बाद क्या आता है? द नंबर आफ्टर 59 इज 60. So we have 60 here, ठीक है? Below 62, below means नीचे, तो 62 के नीचे क्या नंबर आता है? 62, 62 के नीचे है 72, ठीक है? 72, below 62 is 72. So write these children, अभी few more clues are left, अभी भी we cannot make out कि क्या नंबर है ये. We just cannot make out, so we need some more clues. अभी हमें और clues करने हैं, K तक अभी हमने किया है, अभी भी L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, अभी इतने सारे बच्चे. So I hope you have written this, K तक, the next is L. Next is L, I, J, K, L. L is right of 77, right of 77, then M is left of 69, N is below 48, B-E-L-O-W, below 48, I-J-K-L-M-N, then O, O is right of 49, C is above 76, ठीक है? And one more we can write, Q is above 90. Q is above, A-B-O-V-E, above 90. Okay? Now let us write the numbers. Right of 77. Right of 77 ka matlab, the number after 77, that is 78. Right of 77 kya hua? 78. Toh hum 78 ko color karenge. Then left of 69, left of 69 that means the number before, left of 69 मतलब जो number 69 से पहले आते हैं, the number is 68 and we will color the number 68, ठीक है? Then below 48,
48 के नीचे क्या है, दिस इज 47, 48, 48 के नीचे वी हैव 58, बिलो 48 इज 58, दिस इज 58, ओके. नाउ राइट ऑफ 49, राइट ऑफ 49 दैट मीन्स द नंबर आफ्टर 49 के बाद क्या है 50, 49 के बाद है 50, ठीक है. तो दिस इज ये हो गया 50, राइट ऑफ 49 इज 50. देन अबव 76, मतलब 76 के ऊपर, नाउ दिस इज 76 एंड अबव 76 इज 66. तो यहाँ पे हमने 66 को कलर कर दिया, ओके 66. देन अबव 90, अभी थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है कि शायद पता नहीं क्या नंबर बनेगा. अबव 90, 90 के ऊपर, सो दिस इज 90 एंड अबव 90 इज 80, सो 80. फ्यू क्लूज आर स्टिल लेफ्ट, अभी उनको भी जब हम लिख लेंगे देन वी विल गेट द नंबर, ओके. इसको आप लिखो, क्यू तक किया था हमने, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है. 7 मोर आर लेफ्ट. आई होप एवरीवन हैज रिटन दीज, ये सब मैं लिख लिया. नाउ क्यू के बाद नेक्स्ट इज आर, आर इज आर इज लेफ्ट ऑफ 50, लेफ्ट ऑफ 50, एस इज राइट ऑफ 53, राइट ऑफ 53, टी है टी के बाद लेफ्ट ऑफ 63, लेफ्ट ऑफ 63, यू बिलो 36, बिलो 36, वी इज अबव 74, W is below 65, W and last is X, X is right of 78, ठीक है. Now left of 50, मतलब 50 के left में, that means 50 के left में कौन सा number आएगा, 49, left of 50, that is number before 50. So this is 49. And यहाँ पे हम 49 को कलर करेंगे, ठीक है. Left of 50 is 49. Then right of 53. Right of 53, that means the number after. Right of 53, that means the number after 53. तो 53 के बाद नंबर है 54. ठीक है ना, 54. Right of 53 is 54. Then left of 63. Left of 63, that means the number before. So 63 से पहले क्या आता है, 62. 62. Okay. Then below 36. 36 के नीचे. So 36 के नीचे है 46. So color 46. Above 74. 74 के ऊपर. 74 के ऊपर क्या है, दिस इज 74, 64, ठीक है. बिलो 65, 65 के नीचे क्या है, दिस इज 65, 65 के नीचे है 75. तो हमने 75 को कलर कर दिया. एंड लास्ट इज राइट ऑफ 78, 78 के राइट में, दैट मींस द नंबर आफ्टर 78. 78 के बाद क्या नंबर आता है, 79. यहाँ पे हमने 79 को कलर कर दिया. नाउ चिल्ड्रन, कैन यू मेक आउट व्हाट इज द हिडन नंबर, इट इज वेरी वेरी क्लियरली विजिबल नाउ. 1, दिस इज 0, देखो ये क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक 1, ओके. 0, 0, 1, 0, 0. So children, this is very very
क्लियरली विजिबल. यहाँ पे मैं आती हूँ, अभी आप देख सकते हो 100. सो व्हाट इज द हिडन नंबर? यहाँ पे हमको हिडन नंबर पता करना था ना, वी हैव टू फाइंड आउट द हिडन नंबर. सो द हिडन नंबर इज 100. सो विद द हेल्प ऑफ दीज क्लूज, अप अबव बिलो एंड लेफ्ट राइट, यहाँ पे हमने कौन कौन से क्लूज यूज किए हैं? वी हैव यूज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ अबव बिलो लेफ्ट एंड राइट. ठीक है, एंड ये सारे क्लूज से नंबर फाइंड आउट करने के बाद द हिडन नंबर इज 100, दैट इज 100. ओके चिल्ड्रन, सो आई होप यू हैव एंजॉयड डूइंग दिस एक्टिविटी. दिस इज समथिंग, दिस वॉज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी हैव बीन डूइंग. रोज जो हम एक्सरसाइजेस करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, ये दिस वॉज अ फन एक्टिविटी. आई होप यू हैव एंजॉयड डूइंग दिस. Now, in the next class, children, we will start with before and after. So, that is all for the day. Thank you so much.